أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم आज हम बना रहे हैं हरी प्याज और टमाटर की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 अदद हरी प्याज, 3 दरमियाने साइज के टमाटर और 2 मुट्ठी हमारे पास है मटर फ्रीज किए हुए। ये देखें प्याज, टमाटर और मटर मैंने एक पतीली में डाल दी और पानी डाल दिया है। उसमें एक जवा डलेगा लहसुन, लहसुन के अलावा 1/4 चम्मच पिसी मिर्च और 1 चम्मच डलेगी कुटी मिर्च और डलेगा नमक हसबे जायका, हम बाद में भी चख सकते हैं नमक। और इसमें डलेगा 2 टेबल स्पून या 2 टी स्पून ऑयल, ये मैंने डाला है ऑयल। और अब हम अपना चूल्हा जला देंगे, इसको पकाएंगे गलने तक। ये देखें ये अच्छी तरह पक रही है, इसको पकाएंगे और ये सब चीजें जब गल जाएंगी तो इसका पानी सुखा के फिर हम भूनेंगे। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको भूनेंगे। ठीक है, जब आपको लगे कि इसके अंदर ऑयल कम है, ज्यादा चिपक रही है, तो थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको भूने आप। ये देखें हमारी चटनी तैयार है गर्मा गर्म, ये बहुत मजे की होती है, इसको दाल चावल के साथ या पराठे के साथ खाएं।